अगले कुछ रोज नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में जारी रहेगा सर्दी का सितम। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम। शीतलहर ने बढ़ाई आम आदमी की मुश्किल, सर्दी दूर करने के लिए अलाव का सहारा। दिल्ली में पारा गिरने से बेघर और राहगीरों की भी बढ़ी मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में टेंट में डीयू ओपन लर्निंग की परीक्षाएं। कॉलेज परिसर में टेंट में करीब 200 बच्चे दे रहे हैं परीक्षा। पीएम मोदी आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपेंगे चादर। अजमेर दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चढ़ाई जाएगी चादर। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। ईटानगर में पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में होगा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज सुरक्षा पर बड़ी बैठक करेंगे। डीजीपी, एडीजीपी, डीआईजी और एसपी बैठक में मौजूद होंगे। तेलंगाना के वारंगल में पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्कूली छात्राओं ने शिवराज के लिए लगाए मामा मामा के नारे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने किया तलब। जेके सीए से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा प्रधानमंत्री और भारत का अपमान करना सरासर गलत है। बरेली में इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने बैडमिंटन खेला। मुख्यमंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को बड़ा झटका। विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार। असली पार्टी पर उद्धव गुट की दलील खारिज। स्पीकर ने कहा शिंदे गुट असली शिवसेना, बंटवारे के वक्त शिंदे के साथ थे 37 विधायक। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा लोकतंत्र की जीत हुई, लोकशाही के लिए सबसे बड़ा फैसला। स्पीकर के फैसले के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत किया। स्पीकर के फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र की हत्या बताया, कहा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की हमें उम्मीद है। स्पीकर के फैसले पर संजय राउत का बयान, आज का फैसला न्याय नहीं साजिश है, बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। स्पीकर के फैसले पर प्रियंका चतुर्वेदी बोली स्पीकर का फैसला मौका परस्ती है, महाराष्ट्र की जनता ये नाइंसाफी देख रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, शिवसेना के फैसले से महाविकास अघाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा स्पीकर का फैसला सही नहीं, उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। शिवसेना पर आए फैसले का केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया स्वागत, कहा फैसला नियम और कानून के मुताबिक। हैदराबाद में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा मोदी राज्य ही राम राज्य है, लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। पी चिदंबरम की अध्यक्षता में आज कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की वर्चुअल बैठक होगी, बैठक में पार्टी के घोषणा पत्र पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए आज कांग्रेस का महामंथन, केसी वेणुगोपाल 539 सीट पर नियुक्त किए गए संयोजकों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। आज गोवा दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी की आज बड़ी बैठक है, सीएम मोहन यादव, संघ नेता और पार्टी कोर ग्रुप के सदस्य होंगे मौजूद। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज पंजाब कांग्रेस के नव नियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव से करेंगे मुलाकात। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सीईसी राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन में इंडिया हाउस में एक सामुदायिक स्वागत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, यूपी केरल पंजाब दिल्ली में सीट शेयरिंग पर तेजी लाए इंडिया गठबंधन। जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया, कहा कांग्रेस भारत तोड़ने वालों के साथ हमेशा खड़ी। मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए जगह को मंजूरी दी है, 14 जनवरी से यात्रा शुरू होनी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं, यात्रा है हिंसा मार्च नहीं। पटना में जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा है तंज, कहा नीतीश कुमार रंग बदलू आदमी है, कभी भी कारनामा कर सकते हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य हवाले की मिली जमानत की आज अवधि हो रही पूरी, ईडी कर रही सत्येंद्र को सरेंडर करने की मांग। ब्रिजभूषण के खिलाफ पॉक्सो केस बंद करने पर आज फैसला लेगा पटियाला हाउस कोर्ट, नाबालिग लड़की ने दर्ज कराया था यौन उत्पीड़न का मामला। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज, एडवोकेट कमीशन की कार्यवाही का तय करना है स्वरूप। पंजाब के फजिलका में पाकिस्तान की साजिश, बीएसएफ जवानों ने खेत से बरामद की 30 करोड़ रुपए की ड्रग्स। ड्रग्स की बड़ी खेप मिलने पर बीएसएफ अलर्ट, सरहद से लगते इलाकों में चेकिंग की गई तो बीएसएफ ने बॉर्डर और आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ाई। पाकिस्तान की तरफ से 4 बार भारतीय क्षेत्र में भेजा गया ड्रोन, ड्रोन के जरिए गिराए गए ड्रग्स से भरे 2 बैग, बैग से बरामद हुए ड्रग्स के 6 पैकेट। दिल्ली के बदरपुर इलाके में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की कर रहे थे कोशिश। मेरठ में छात्रों के 2 गुटों में पथराव और मारपीट, वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़े छात्र। कांग्रेस ने किया रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार, कार्यक्रम में खड़गे, सोनिया और अधीर रंजन नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाड़िया का एक्स पर पोस्ट, भगवान श्री राम है आराध्य देव, कांग्रेस को ऐसे फैसले लेने से रहना चाहिए दूर। कांग्रेस के फैसले पर प्रमोद कृष्णम ने कहा भगवान राम सबके देव हैं, कहा कांग्रेस में कुछ लोग हैं इस फैसले के पीछे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, सभी देशवासियों का है राम मंदिर। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने नेता ठुकराकर भारत की पहचान को अस्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कभी बदल नहीं सकता कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस पार्टी का भगवान राम विरोधी चेहरा आया देश के सामने, निमंत्रण अस्वीकार करना सनातन विरोधी सोच है। एबीपी न्यूज से बोले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कांग्रेस को बताया राम द्रोही, कहा कांग्रेस नेताओं को नहीं देना चाहिए था न्योता। खड़गे और सोनिया पर वीएचपी नेता शरद शर्मा का पलटवार, कहा जिसे राम बुलाएंगे वही करेगा दर्शन, कांग्रेस की सोच राजनीति से प्रेरित। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख करीब आते ही अयोध्या में दिवाली सा नजारा, भगवान राम के मंदिर में खुशी में जलाए जा रहे हैं दिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य की सफाई, कहा मैं सभी वर्णों का समान रूप से सम्मान करता हूं, किसी जाति के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने बनाया अयोध्या दर्शन का प्लान, राम मंदिर दर्शन कमेटी श्रद्धालुओं को कराएगी अयोध्या दर्शन। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, नृपेंद्र मिश्र और आलोक कुमार ने दिया न्योता। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अमृतसर पहुंचे संघ और बीएचपी के नेता, जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को न्योता दिया गया। अयोध्या में राम रसोई में श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है भोजन, लोगों को मुफ्त में खिलाया जा रहा खाना, हर दिन 4000 लोग करते हैं भोजन। राम के रंग में रंगी अयोध्या नगरी, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर तरफ नजर आ रही भव्य सजावट। वडोदरा से अयोध्या पहुंची 108 फीट लंबी अगरबत्ती, 3.5 फीट चौड़ी अगरबत्ती प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाई जाएगी। मुरादाबाद के बाजार में बढ़ी राम मंदिर के मॉडल की डिमांड, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करीब आते ही हाथों हाथ बिक रहा राम मंदिर का मॉडल।
जम्मू कश्मीर में भी बढ़ी राम मंदिर मॉडल की डिमांड, होलसेल की ज्यादातर दुकानों पर सिर्फ मॉडल की पैकिंग कर रहे कर्मचारी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और श्रीमद् भगवद गीता की बढ़ी डिमांड, गीता प्रेस पूरा नहीं कर पा रहा ऑर्डर। भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद में जयपुर के शुद्ध सरसों का तेल होगा इस्तेमाल, सीएम भजन लाल ने तेल के 2100 टिन किए अयोध्या रवाना। हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना हुई बस, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए रवाना हुए लोग, यात्रियों में भारी उत्साह दिखाई दिया। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस की तैयारियां, प्रदेश भर में कई जगह पर चलाया गया चेकिंग अभियान। गाजियाबाद में महिला की राम भक्ति मुराद पूरी होने पर कर रही वाहनों की फ्री सर्विस, पति की बीमारी के चलते मैकेनिक बनी पूना।